जय मिथिला। मिथिला के खान पान, मिथिला के बोली सब भरल ई मिथिला किचन में अहाँ के स्वागत है। आई अपने सब बनाबा जा रहा छी एक अलग स्वाद में पिड़िकिया, आम पिड़िकिया। ए पिड़िकिया में भड़ावन हम आम पाक बना कर देव, एक अलग स्वाद। पिड़िकिया के भड़ावन बनाबे के लेल जना कि अपना सब आम के भड़ावन देवे, तो आम ले लूँ हम तीन टा। आम कैटा ले छे, वैसे कोनो अथी नहीं छे, अपना सके गुद्दी चाही जे एक बाटी हम गुद्दी बनाएब। ऐसा आम के देखे रहल छी कि आम पूरा पाकल नहीं छे, तो जहाँ तक संभव हुए अहाँ सब पाकल आम और नीक आम लेब, जे आम में मिठास ज़्यादा रहत, जना कि आम्रपाली आम, मालदा आम में मिठास बड़ नीक रहे छे और ओमे रेशा कम रहे छे, गुद्दी बेसी रहे छे, तेहन आम के प्रयोग करब। किया तो रेशा रहला पर बढ़िया नीक से बनत, नहीं भड़ावन बढ़िया से बनत नहीं। साथे हम ले लूँ हैं नारियल पाउडर, जो नारियल गुड़ा कहे छी अपना सब से लेने छी। नारियल गुड़ा के जगह में नारियल घसो के अहाँ दऽ सकै छी, मिही मिही के घसि के, चाहे मिक्सर ग्राइंडर में पीस के दऽ सकै छी। हमरा लग पाउडर छले तो हम ओहि में एक कप नारियल के गुड़ा ले लूँ हैं। ये अंदाज सब 50 ग्राम है। चीनी 50 ग्राम ले लूँ हैं, दूध पाउडर 50 ग्राम ले लूँ हैं। मिठाई के कोनो भी सामग्री बनाबी ते में बड़ा इलायची दे, बड़का इलायची से बड़ निक सुगंध होइ छे। तो अपना सब पहले मैं आम के गुद्दी निकाल कर पीस ले छी। जना कि देख सकै छी गुद्दी के हम बढ़िया से मिक्सर ग्राइंडर में पीस ले लूँ हैं, पूरा पेस्ट बना लेने छी हम। अब एक छानि लेना छी, ओहि के लिए एहन बड़का वाला छलनी ले लूँ हैं, ओहि में दऽ कऽ हम एक छानि ले छी, जे रेशा सब बचल रहत से निकल जायत। चम्मच के सहायता से एक घुमाबे छी, खूब के घुमा तो एना के फसल आ। देखियो पूरा तो हम छन्नी से एक निकाल लेलूँ, अब एते अपना सबके रेशा रह गेल छले। तीन टा आम में से एते गुद्दी निकाललूँ हैं, किया तो अपना सबके आम में खाली गुद्दिए टा छले, ताहि दुआरे आम जे लेब तो बढ़िया आम लेब जैमे गुदिएटा रहे, बेसी रेशा नहीं रहे, मीठगर रहे। ई का आम कनी कम मीठ है, एखन के हमरा सबके सीजन कनी कम छे मीठ के, 15 दिन के बाद बढ़िया आम एते। तो ऐ में हम चीनी मिलेबे, अपन मिठास हिसाब से अहाँ चीनी कम बेसी कऽ सकै छी, किए तऽ आम के मिठास पर छै जे अहाँ कते मीठ आम लऽ रहल छी ओ अंदाज अहाँ के लागि जायत, तऽ ओहि हिसाब से अहाँ कम बेसी कऽ सकै छी। ओना हमरा जे अंदाज लागल है जे हम ओतऽ 2 कप पल्प निकाललहुँ हैं आम के, तऽ हम ओहिमे 50 ग्राम चीनी दऽ रहल छी, किया तो आम हमर कनी कम मीठ है। हम पकायब एकरा पूरा पानी आँच पहिने नहीं जरेबाक छै, चढ़ेला के बाद लोहिया अपना से गरम नहीं चाही, जब चढ़ा देबे तकर बाद आँच के जरायब, लोहिया गरम नहीं देबे। लगातार चलते अपना सबके पकेबाक छै और जब आम के पानी सुखा जाए तो अपना सब चीनी देबे, पहले चीनी नहीं देबे, पहले आम के जे पानी रहै छै रस जे रहै छै तकरा सुखा दियौ। देखियौ लोहिया गरम भऽ गेल तऽ आम खटकऽ लागल, ऊपर ऊपर फटफट फट ऊपर आयत, जेना एहिमे बड़ मेहनत छै, कनिको हाथसँ ई बंद भेल चलेनाइ कि ततेक फटफटाय लागत कि मुँह पर देह पर पड़ैके सम्भावना रहै छै, तऽ हाथके रोकब नहि, हाथके लगातार चलाइते रहब जाहिसँ कि अहूँ बचि सकै छी और ई पेनीमे लागै नहि। लोहिया आप ध्यान से देखैत हेबै, ई जे पहिले जखन शुरू कयने छलहुँ हैं तखन सब पानि पूरा सुखा गेल अछि, तऽ आब एहिमे अपना सब आगा के जे छै प्रक्रिया शुरू करबै। लगभग चलाबैत हमरा एखन 20 मिनट भऽ गेल, 20 मिनट लगातार हम चलेलहुँ हैं, तब पानि तऽ आम के पानि सुखायल अछि। तऽ आब एहिमे हम चीनी दऽ दै छी जे एहि सङ्गे किया चीनियो में पिघलत, चीनियो अपन सबके पानि छोड़त। देखियो देला के साथ देखियो आड़ी जतबी छले पातर ओतबी पातर भऽ गेल, कारण की छले कि पहले छले आम के पानि जे छले रस तकरा सुखेबाक छले, ओ सुखेला के बाद आप अपना सब चीनी देलिए, चीनी पघलि गेल। आ चीनियो के बढ़िया सुखेनाइ छै, अपना सबके पूरा सूखा करनाइ छै, जेना अपना सब खोआ बनाबै छियै तहिना बनेबाक छै, जेना दूध के खोआ बनबै छियै तहिने अपना सबके सूखा चाही। तऽ एहिमे हम चीनी दऽ देलहुँ हैं, चीनिये सङ्गे हम पाउडरो दऽ दै छी, दूध पाउडर एहिमे मिल जायत, मिलते गुठली के तोड़बाक छै।
पाउडर से खोआ के स्वाद आबै छै। जेना अपना सब खोआ दै छियै तेहन स्वाद आयत। दूध पाउडर सुखायल जाय तेना तेना दूधो मिलल जाय, लेकिन अपना सबके लगातार हाथ चलेबाक छै। साइड साइड के निकलते बढ़िया सुगंध आवा लागल अछि, खूब बढ़िया से अपना सबके पपड़ी पड़ लागल है। सूखा भेल ऐसे कनी आर सूखा करबे और ठंडा भ जाए तो आरो सूखा भ जाए। लगातार हाथ के चलते आधा घंटा पूरा प्रक्रिया में लागे छे। ये जे चाहबे झटपट बन जाए से नहीं बनत, ए पर पूरा ध्यान देवे पड़त तो स्वादगर हैत। मेन अपना सबके भरावने छे, देखियो बढ़िया से सुखा लागल। हम आज के कम बेसी नहीं केलहुँ हैं, एक रंग के आँच पर, बस एक रंग के आँच पर हाथ के लगातार गुलाई में चलाई के बनेबाक छै। अभी बहन के तैयार हो गए, जरा ठंडा होइले छोड़ दै छी, पूरा ठंडा है तब अपना सब पिरिकिया में भरबे। इलायची कूट के सेव मिला देलहुँ हैं, जाबे ही ठंडा होइए ताबे पिरिकिया के लिए मैदा सानि लै छी। तो अपना सबके खूब मोलाई मैदा के सननाइ छी। केओ ओहिमे खाए वाला सोडा दै छथिन, लेकिन हम खाए वाला सोडा कनी कमे प्रयोग करै छी तो हम नहि देलहुँ हैं। यदि खास्ता बेसी चाही तो दऽ सकै छी। ओना घी दऽ कऽ जते बढ़िआँ सँ सानबै, हाथ सँ जते बढ़िआँ सँ मरदबै तते नीक अहाँके ई पिरिकिया बनत। जेनाकि एहिमे अपना सब आम के भरावन देबै, मने सूजी छोड़ कऽ, सूजी सूखा होइ छै आ खोआ आम के कोनो भी अहाँ गील चीज दै छियै तऽ जल्दी नरम भऽ जायत, तऽ नरम भऽ जायत तऽ चिम्मर लागत, खाइमे नीक नहि लागत। तऽ अपना सबके मैदा पर ध्यान दैके छै, मैदा खूब मुलायम सानी, जते बढ़िआँ भऽ सकै ओते सानी। हम एकरा आधा घंटा के लेल झाँपि कऽ राखि दै छी। सूखा मिश्रण तैयार भेल अछि, ठंडा भेलाके बादमे पूरा ठंडा चाही, घरमे नहि बनाबऽ लागब। एनाके दबलासँ पूरा पेड़ा जकाँ दबाइए। अब अपना सब पूरी पहिले तैयार करबै। ओहिके लेल हम पहिले गुलिया काटि लै छी। नॉर्मल जते अपना सब पिड़िकिया गुड़ के बनाबै छियै सूजी वाला ताहिसँ कनि मोट राखब। हम साँचामे बना रहल छी, अहाँ हाथोसँ बना सकै छी, तऽ कनि मोट राखब किया तऽ साँचामे देलासँ साइडसँ मैदा के काटऽ पड़ै छै तऽ निकलै छै, तऽ कनि मोटे रहबाक चाही एहिमे। तऽ गुलिया काटि कऽ हम निकालि लेलहुँ हैं, पूरी के बेल लै छी। बर्थनो लगा कऽ बेल सकै छी, नहि तऽ ओहनाओ किया तऽ एहिमे घी देल छलै तऽ खूब बढ़िआँसँ बेलायत। कनि बड़के बड़के बेलनाइ छै अपना सबके, चारों तरफ एक रंग के, किया तऽ अपना सब गुड़ नहि रहल छियै तऽ कोनो मोट आ पातर नहि, एके रंग के होबाक चाही। तब एना कऽ पूरी बना कऽ तैयार कर लेलहुँ। ओते आटा में करीबन अपना से 15-20 टा पिड़िकिया बन जायत, तब भरै लए तैयारी करै छी। भरनाइ शुरू करै छी, ओहिके लेल हाथ में कनी हम घी लगा लेलहुँ हैं। ई चिपचिप रहै छै, गील रहै छै ताहि दुआरे, और एहिमे अपन हिसाब कमे देबै बेसी नहि। पूरी के हम राखि लेलहुँ एहि पर साँचा पर और एकरा बीच में दऽ दै छियै, बेसी के नहि देबै नहि तऽ फाटि जायत। और साँचा में पूरी बढ़िआँ से मिलैते एकरा एना कऽ दाबि देबाक छै, चारों कात बढ़िआँ से सेहो दाबि देबै।
जैसे बढ़िया से सट जाए। उना के सबटा के तैयार करे के छे। और अगर हाथ में सब बनाबी तो एना के हाथ पर रख ले, मिश्रण के दद बीच में किनको किनको पिड़िकिया बहुत बढ़िया मेरल हुई छन, हमरा उते बढ़िया से नहीं अबैया, लेकिन हमर दादी बहुत सुंदर पिड़िकिया मेरे रहथिन, हुनकर छोट छोट पिड़िकिया बनबैत रहथिन खोआ के सूजी के, तो हम एना के मेरलो हैं। अहाँ एहनो के मेर के दऽ सकै छी और साँचा में सेहो दऽ। एमे छाने के लेल तेल गरम होइला चढ़ा देलहुँ हैं, हम रिफाइन तेल देने छी, अहाँ घीओ के प्रयोग कऽ सकै छी। अपना सबके तेल बेसी गरम नहीं करबाक छै, धुआँ नहीं उठेबाक छै। पिड़िकिया कखनो भी छानी एक रंग आँच पर छानी और बेसी तेल गरम नहीं होबाक चाही, बेसी धुआँ भेला पर जल्दी जरि जायत, पातर रहै छै मैदा रहै छै जल्दी जरि जायत। कनी टुकड़ी मैदा के दऽ के देखै छी, एहि समय में तुरंत ऊपर नहीं आयला, कनी कनी के आबि रहल यऽ ऊपर, एहि समय में अपना सबके पिड़िकिया देबाक छै। पिड़िकिया एहिमे दऽ दै छी, पलटा का दोनों का लाल लाल भ जाए फिर निकाले पर से बेसी टाइम नहीं लगे से। सब पिड़िकिया बनाकर निकाल लो। अहाँ सबके आम पिड़िकिया के व्यंजन केहन लागल से अपन प्रतिक्रिया हमरा लाइक कमेंट शेयर कर जरूर कहब। अहाँ सबसे आग्रह है कि मिथिला किचन पेज के अहाँ सब लाइक करू शेयर करू। जय मिथिला जय मैथिल, धन्यवाद अहाँ सबके।